पिछली दफ़ा मैंने आपसे कहा था कि अगली बार जिक्र करूंगा मेरे मीडिया के बारे में, यानी पूरे पाकिस्तान के सबसे बड़े नेटवर्क के बारे में, जिसके पूरे मालिकाना अधिकार पाक सरकार के पास है। इसके नेटवर्क में पीटीवी होम, पीटीवी न्यूज़, चैनल पीटीवी ग्लोबल, पीटीवी नेशनल आदि शामिल हैं। मेरे यहाँ इसका नेटवर्क खूब फैला हुआ है और इसमें काम करने वाले एंकर व कलाकार सेलिब्रिटी बने हुए हैं। पीटीवी के अलावा लोकप्रिय चैनलों में CNBC पाकिस्तान, जियो टीवी, जियो न्यूज, आग टीवी, इंडस नेटवर्क, इंडस टेलीविजन नेटवर्क, ITV नेटवर्क, आज नेटवर्क, डॉन न्यूज, सिटी 42 आदि मिलकर लगभग 125 चैनल हैं और लगभग सभी के मुख्य या क्षेत्रीय स्टूडियो मेरे शहरी आबादी में मौजूद हैं। इनमें एक खास प्रयोग वर्चुअल यूनिवर्सिटी एजुकेशन नेटवर्क का भी है। यह पहली यूनिवर्सिटी है जो पूरी तरह से आधुनिक सूचना तकनीक पर आधारित है और यह सरकारी क्षेत्र में है और इसके सभी कार्यक्रम निःशुल्क उपलब्ध हैं। इतना सशक्त मीडिया मौजूद होने के बावजूद संवेदनशील मुद्दों पर खुली बातचीत की कमी अभी भी खटकती है, यानी सेंसिटिव टॉपिक। प्रिंट मीडिया में भी लगभग 1500 पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन पूरे मुल्क में होता है। मेरे यहाँ भी लगभग 55 अखबार छपते हैं और पत्रिकाओं की सही तादाद का सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। डॉन, पाकिस्तान टाइम्स, नवाए वक्त, पाकिस्तान न्यूज, वन ब्रेकिंग न्यूज, थर्ड ब्रेकिंग न्यूज, वर्ल्ड न्यूज, डेली न्यूज, डेली एक्सप्रेस, चश्मे वतन, डेली जुर्रत, डेली लाहौर पोस्ट, डेली पाकिस्तान, डेली ताकत, डेली टाइम्स, लाहौर टाइम्स, ये सब प्रमुख हैं। मुझे यह बयान करने में विशेष फख्र महसूस होता है कि बंटवारे से पहले मेरा शहर मीडिया का एक बहुत बड़ा केंद्र था। उस वक्त का मीडिया आज की तरह एक प्रोफेशन या कमर्शियल संस्थान नहीं था। उस वक्त यह पूरी तरह से एक मिशन था जो कि जंगे आज़ादी को समर्पित था। तब बकौल अकबर इलाहाबादी, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तब कुछ ऐसा दौर था। सिविल एंड मिलिट्री गजट सरीखे अखबारों के भी कुछ सिद्धांत थे। मिलाप, प्रताप, जय हिंद सरीखे अखबारों का बोलबाला था। द ट्रिब्यून उन दिनों का एकमात्र अंग्रेजी अखबार था जो विभाजन के समय पहले शिमला, फिर अंबाला और आखिर चंडीगढ़ में आबाद हुआ। द ट्रिब्यून वाली इमारत से पाकिस्तान टाइम्स निकलता रहा है। हालांकि अब मीडिया की दुनिया कमर्शियल संस्थाओं की तरह चलती है, मगर अब भी हर मुमकिन पारदर्शिता व विश्वसनीयता की कोशिशें जारी रहती हैं। यहाँ के मीडिया की एक विशेष बात यह रही कि मुल्क के प्रसिद्ध लेखक, शायर भी मीडिया से जुड़े रहे हैं। अतीत के पत्रकारों में फैज, कासमी, मंटो, कतील शिफाही, ये सब भी शामिल रहे। और एक खास बात यह भी थी कि अदबी पत्रिकाएं बड़ी संख्या में मौजूद रही। कुछ एक पत्रिकाएं 200-200 पृष्ठों की होती थी। विभाजन से पहले अक्सर अखबार अपनी एडिटोरियल के कारण पढ़े जाते थे या खरीदे जाते थे, मगर अब के हालात पर एक मीडियाकर्मी की टिप्पणी थी, एडिटोरियल अब एडवर्टोरियल में बदल गए हैं, इसलिए उन्हें कोई गंभीरता से नहीं पढ़ता क्योंकि वक्त बदल चुका है। लेकिन मैं नहीं बदला, क्योंकि मैं लाहौर हूँ। तो जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जम्या ही नहीं। और अगली बार बात करूँगा अंतिम लम्हों की, और ये अंतिम लम्हे थे शहीद सुखदेव के, शहीद भगत सिंह के और शहीद राजगुरु के।